हेलो फ्रेंड्स, आई एम निमित गुप्ता। वेलकम टू संतलोक क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। और आप सब अपने ध्यान रख रहे हो, लेक्चर्स भी देख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं द मीनिंग ऑफ रिटेन अर्निंग। के रिटेन अर्निंग का क्या मतलब होता है? देखो, मैंने हमेशा कहा एज द वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग, के शब्द अपना अर्थ खुद बताता है। क्या शब्द है? रिटेन अर्निंग, यानी वो अर्निंग जिसको आप रिटेन करके चल रहे हो, बचा कर चल रहे हो। पढ़ते हैं, A company generally does not distribute all its earning amongst the shareholder as the dividend. Company क्या करती है? जितना भी उसको earning हुई है, जितने भी profit उसको हुआ है, वो सारा का सारा profit अपने shareholder में as a dividend distribute नहीं करती। For example, एक company है ABC Limited, जिस company को profit हुआ है 10 lakh rupees का। Example है, तो मान लेते हैं कि 8 lakh rupees company distribute कर देगी और 2 लाख रुपए को बचा लेगी एज अ रिटेन अर्निंग। उसको बचा के चलती है, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, कुछ रोक लेते हैं। क्यों? आगे पढ़ते हैं। अ पोर्शन ऑफ द नेट अर्निंग मे बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। ये जो पैसा होता है, इस पैसे को कंपनी अपने पास रखती है, बिजनेस अपने साथ रखता है। इसलिए भाई फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कैसी भी कैलेमिटी आ सकती है, कल को कैसा भी चेंज आ सकता है, कस्टमर की नीड एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो सकते हैं, हो सकता है पूरा बिजनेस ही चेंज करना पड़ जाए, कैसा भी रिस्क आ सकता है। तो कंपनी एक एश्योरेंस लेके चलती है कि अगर कल को मुझे कोई भी रिस्क फेस करना पड़ रहा है या पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और मैं बाहर से फंड अवेलेबल नहीं करा सकता, तो मैं उस पैसे को यूज कर सकूं। क्लियर? इसी को बोलते हैं रिटेन अर्निंग, के जब कंपनी अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट शेयरहोल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, कुछ को बचाकर रखती है, जिससे कि कल को उसके आड़े समय में उसको वो इस्तेमाल कर सके। क्लियर? फॉर ये हमने पढ़ा, अ पोर्शन ऑफ द नेट अर्निंग मे बी रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर द यूज ऑफ फ्यूचर, जिससे कि वो उसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सके। दिस इज नोन एज रिटेन अर्निंग। इसको कहा जाता है रिटेन अर्निंग। इट इज अ सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग। इसीलिए ये क्या है? इंटरनल फाइनेंसिंग का सोर्स है कि भाई कल को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो चार जगह धक्के नहीं खाने पड़ रहे, उसे वहीं से मिल गया। या सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं या फिर फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। तीनों में से कुछ भी आपको देके पूछ सकते हैं, तो रिटेन अर्निंग ही पूछने हैं, समझ जाना। द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर फ्लोइंग बैक इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर। अरे भाई, आपका 10 लाख का प्रॉफिट है, आपने 8 लाख बांट दिया, 2 लाख को रोक लिया, कोई तो क्राइटेरिया होगा, अपने मन मर्जी से थोड़ी ना कर लोगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, जैसे कि नेट प्रॉफिट, आपको नेट प्रॉफिट होता कितना है या हुआ कितना है, उसके हिसाब से आप देखोगे, डिविडेंड पॉलिसी के हिसाब से देखोगे। क्लियर? आई होप रिटेन अर्निंग का मीनिंग क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप एडिशनल कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। नेक्स्ट लेक्चर में रिटेन अर्निंग के मेरिट्स और डिमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग।